Good morning friends. In today's video we will discuss about mean value theorems of differentiation. और मैं हूँ आपका टीचर सत्यजीत सर एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल. आज हम लोग बात करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में. शायद आपको पता हो इस चैप्टर से हर साल एक क्वेश्चन आता ही है. तो आज हम लोग पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम्स. अभी फर्स्ट जानना है व्हाट इज डेरिवेटिव एक्चुअली मीन्स. द वैल्यू ऑफ dy बाई dx ऑफ एनी कर्व एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट. अगर मैंने किसी भी कर्व का किसी एक पॉइंट में डेरिवेटिव निकाला तो उसका मतलब ये जो वैल्यू होगा वो उस पॉइंट में जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप होगा. अच्छा, अभी dy बाई dx एट एनी पॉइंट x इक्वल टू c ऑफ ए कर्व रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x इक्वल टू c. मान लीजिए कि मैंने एक कर्व लिया. दिस इज ए कर्व y इज इक्वल टू fx. इस कर्व का कोई भी एक पॉइंट में अगर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया देन एट दिस पॉइंट, मान लीजिए कि ये कर्व इस पॉइंट में ड्रॉ किया गया टेंजेंट एट दिस पॉइंट x इक्वल टू c, तो दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. ये क्या है? थीटा. व्हाट इज m इक्वल टू tan थीटा. Then it is equal to dy by dx at the point x equal to c. When a line is parallel to x-axis, then its slope is equal to zero. मतलब अगर किसी भी कर्व का किसी भी एक पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ किया अगर वो पैरेलल टू x-axis होता है तो उसका जो स्लोप होगा वो जीरो होगा. दैट मीन्स dy by dx इक्वल टू जीरो होगा. अच्छा, अभी जानना है what is mean value theorem. Now there are two theorems. First one is Rolle's theorem. आज पढ़ेंगे पहले Rolle's theorem. Rolle's theorem. What is Rolle's theorem? Let fx be a real valued function defined on the interval a comma b. a or b, b two real numbers. ये जो interval है a comma b, interval close, उसके बीच में ये क्या है? Defined है. Such that now you are given three conditions. पहला, fx is continuous in on बोल सकते हैं हम लोग a comma b. number two, fx is differentiable in a कोमा बी. अगर कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? अगर कोई बोलता है कॉन्टिन्यूस है, अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते वक्त अपना पैन कभी रेज नहीं होगा तो ये ग्राफ क्या है? कॉन्टिन्यूस है. अगर किसी भी पॉइंट में पैन रेज हो गया, मान लो कि मैं यहाँ शुरू यहाँ से किया फिर यहाँ पहुँचते इस पॉइंट में मेरा पैन रेज हो गया फिर शुरू हुआ यहाँ से, तो ये जो पॉइंट है ये होगा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी. अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते वक्त किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में या फिर बहुत सारे पॉइंट्स में मेरा पैन रेज होगा उसे कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूस ग्राफ. ये एक डिसकॉन्टिन्यूस ग्राफ है. और अगर ये चलता रहता
तो ये क्या होता, कॉन्टिन्यूस होता। तो मुझे बोला गया है कि जो एफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूस फिगर है ए और बी के बीच में। नाउ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स जो है ना उसके किसी भी पॉइंट में ए और बी के बीच यू कैन ड्रॉ ए टेंजेंट। अगर मैं बोलूँगा कि डिफरेंशिएबिलिटी एक्चुअली है क्या, अगर कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट में डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब यह है कि उस फंक्शन का उस पर्टिकुलर पॉइंट में यू कैन ड्रॉ ए टेंजेंट, एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना यूनिक टेंजेंट, किसी भी एक पॉइंट में टेंजेंट एक ही होगा, दो नहीं होगा। अगर दो होगा तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट डिफाइन, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। अगर एक ही टेंजेंट होगा तो उसे कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएबल। नाउ नंबर थ्री, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। जो फंक्शन है उसका एक्सट्रीम पॉइंट्स में जो इंटरवल था ए और बी, उन दोनों में क्या है, इक्वल वैल्यूज है, तब क्या बोलेंगे हम लोग, देन देयर एग्जिस्ट्स एटलीस्ट। अगर आप लोग देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक में एटलीस्ट का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन मैं बोलूँगा एटलीस्ट। नाउ देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्सिकल टू सी इन ए कोमा बी, दैट इज सी लाई बिटवीन ए एंड बी, द पॉइंट सी विल लाई बिटवीन ए एंड बी, फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब उस पॉइंट में एफ डैश सी और यू कैन से डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब उस पॉइंट में जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। देखिए मैं आप लोगों को दो एग्जांपल दिखा रहा हूँ ग्राफ ड्रॉ करके। ये है केस वन, ये है केस वन, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। मान लीजिए जो फंक्शन है इट्स ए इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब बढ़ रहा है फिर घट रहा है, इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। मान लीजिए कि ये फंक्शन ऐसा है, पॉइंट ए यहाँ पे था x इक्वल टू ए, जब भी x का वैल्यू a से बड़ा होगा फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट जो कि x इक्वल टू c है वहाँ तक पहुँचता है। आफ्टर रीचिंग x इक्वल टू c द फंक्शन अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू, और जब भी x इक्वल टू c को क्रॉस करता है फंक्शन अगेन डिक्रीजेस। तो ये पॉइंट कहाँ पे आ गया, आके b में आ गया। ये आपका जो डोमेन था, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स ए और बी, उसके बीच में फंक्शन का चेहरा ऐसा है, एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी। नाउ द फंक्शन हैज़ इक्वल वैल्यूज, ये है आपका एफ ऑफ ए, ये है आपका एफ ऑफ बी और ये है आपका एफ ऑफ सी। अगर मैंने अभी इस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये क्या होगा, इट इज़ पैरेलल टू x axis, that means the slope at that point of the tangent is equal to zero. तो f dash c zero होगा। f dash का मतलब होता है dy by dx, मतलब जो function है y equal to fx उसका उस particular point x equal to c में जो slope होगा वो कितना होगा, zero होगा। It's a geometrical interpretation. और अगर मैं बोलूँगा कि case 2-3, अच्छा अभी मान लीजिए ये केस टू हो गया। नाउ अगर फंक्शन जो है वो पहले डिक्रीज होता है और फिर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो ये दिखने में कुछ ऐसा होगा। मान लीजिए कि ये x इक्वल टू ए पॉइंट है, फंक्शन शुरू होता है यहाँ से, और फिर जब भी x का वैल्यू a से बड़ा होता है तो ये घटता है, दैट इज़ डिक्रीजेस, और फिर आके पहुँचता है बी तक।
ये x इक्वल टू बी. नाउ x इक्वल टू ए x इक्वल टू बी हैज इक्वल वैल्यूज. ये जो वैल्यूज है वो आपका f ऑफ a है एंड ये है आपका f ऑफ b. नाउ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c, a और b के बीच में तीसरा पॉइंट होगा वो है आपका x इक्वल टू c, जिसके लिए जो फंक्शन है उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, मिनिमम. उससे लोएस्ट कोई वैल्यू है ही नहीं, ये आपका मिनिमम वैल्यू है. तो उसी पॉइंट में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या होगा, फिर से पैरेलल टू एक्स एक्सिस. दैट मीन्स द टेंजेंट हैविंग स्लोप इक्वल टू जीरो. ये हो गया आपका केस वन और केस टू. लेकिन मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट रहेगा एक्स इक्वल टू सी इन बिटवीन ए एंड बी. अभी मुझे अगर एटलीस्ट बोलना है तो मुझे और एक केस दिखाना होगा जिसमें दो या उससे ज़्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं. तो अगर मैं तीसरा केस ड्रॉ करता हूँ, ये थर्ड केस ड्रॉ कर सकता हूँ मैं ऐसा. दिस इज योर थर्ड केस, आप देख लीजिए. मान लीजिए फिर से फंक्शन पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज होगा, ऐसा कुछ. ये आपका x इक्वल टू a, एक्सट्रीम पॉइंट्स में वैल्यूज इक्वल है. ये आपका x इक्वल टू b, x इक्वल टू b, ये f ऑफ b, f ऑफ b एंड f ऑफ a आर इक्वल. नाउ दे आर एग्जिस्ट थ्री वैल्यू, टू वैल्यूज. ये आपका x इक्वल टू c1 है, c1, और ये आपका x इक्वल टू c2 है. इस दोनों पॉइंट्स में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो. ये हो गया फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गया फंक्शन का मिनिमम वैल्यूज. एट c1 एंड c2 फंक्शन अटेन्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज. तो ये हो गया आपका f डैश c1 इक्वल टू जीरो, इसके लिए होगा f dash c2 is equal to 0. That is, there exist two points between a and b for which f dash x is equal to 0. मतलब f dash c 0 होगा. Tangent का slope उस particular points में 0 होना चाहिए. ठीक है, this is your Rolle's theorem or you can say ये है तो आपका mean value theorem. ठीक है, तो ये है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और ये है उसका लैंग्वेज. सिंपल चीज़ें हैं, एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब जो वैल्यूज है फंक्शन का हमेशा क्या होगा, रियल होगा. डिफाइंड ऑन द इंटरवल ए कोमा बी सच दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस. मतलब क्या है, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता रहूँगा तो मेरा पेन कभी रेज नहीं होगा. तो ये कॉन्टिन्यूस फिगर है. अगेन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए कोमा बी, से मतलब ये हुआ कि किसी भी एक पॉइंट में आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बिटवीन ए एंड बी, बाउंड्री को छोड़ के. बाउंड्री में आप यू कैन नॉट ड्रॉ टेंजेंट. टू ड्रॉ ए टेंजेंट द फंक्शन का जो बीच में करना पड़ता है, बाहर में नहीं, बाउंड्री में नहीं कर सकते आप. और नंबर थ्री, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, फंक्शन अटेन्स सेम वैल्यूज एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द डोमेन. तब जगह क्या होता है, तब देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इक्वल टू सी इन ए कोमा बी, दैट इज सी लाई बिटवीन ए एंड बी फॉर हुच एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, और यू कैन से द वैल्यू ऑफ डीवाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स द टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू सी हैज अ स्लोप इक्वल टू जीरो. दिस इज योर रोलेस थ्योरम. अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट लग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम. ये लग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, दिस इज लग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम. एक्चुअली
रोलिस थ्योरम इज ए पार्टिकुलर केस ऑफ लग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए हम लोग बात करते हैं, हाँ तो क्या था LMVT, लेट FX बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन A, B, ये भी रियल वैल्यूड है, सच दैट FX इज कॉन्टिन्यूअस ऑन A, B। फिर से FX जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा केस क्या है, FX इज डिफरेंशिएबल इन A, B। एंड तीसरा, FOF इज नॉट इक्वल टू FOB। अभी आ गया तीसरा केस, वो अलग है। उसमें क्या था, FOF इज इक्वल टू FOB, इसमें क्या है, इक्वल नहीं है। देन देयर एग्जिस्ट at least one point x equal to c in A, B, that is c lie between a and b for which f' c is equal to, यहाँ पे zero नहीं होगा, यहाँ पे केस अलग है, यहाँ पे होगा for which f' c is equal to f(b) minus f(a) divided by b minus a। अच्छा अभी हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग स्लोप। व्हेन वी जॉइन टू पॉइंट्स वी गेट ए लाइन एंड इट्स स्लोप इज, समझ लीजिए कि मैंने दो पॉइंट को जोड़ दिया, ये पॉइंट है आपका x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। अगर मुझे इस लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, वी राइट m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये है द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। नाउ ये थोड़ा अलग केस है, अभी अगर मैं केस वन ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए कि मैंने एक केस ड्रॉ किया, से पकड़ लिया कि जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया आपका वाई एन एक्स एक्सिस, ये हो गया एक फंक्शन, ये हो रहा है इंक्रीजेस, फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज एक्स इक्वल टू ए और ये है आपका f(a) एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज एक्स इक्वल टू बी और ये हो गया आपका f(b)। अभी आप लोग देख सकते हैं जो फंक्शन है fx उसका जो वैल्यूज है a और b में इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग है, दे आर नॉट इक्वल। अभी क्या होगा, ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका हो गया a, f(a), a होता है x एंड f(o) होता है द कॉरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट। ये तीसरा, ये दूसरा पॉइंट होगा b, f(b)। नाउ इफ आई जॉइन दिस लाइन सेगमेंट, मान लीजिए कि ये कैपिटल a और ये कैपिटल b हो गया, अगर मैंने इन दोनों को जॉइन कर लिया देन आई विल गेट ए कॉर्ड AB, AB इज ए कॉर्ड, AB इज ए कॉर्ड ऑफ द कर्व y इक्वल टू fx। इफ आई जॉइन AB, इट्स ए कॉर्ड, मतलब लाइन सेगमेंट, तो फॉर एवरी लाइन सेगमेंट वी हैव ए स्लोप। नाउ इफ आई फाइंड देयर स्लोप इट विल बी इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 f(b) माइनस f(a) बाई b माइनस a। अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बोलता हूँ, for x equal to a the corresponding y coordinate is equal to f(a). similarly for x equal to b the corresponding y coordinate will be f(b). to ye points ho gaya a, f(a) and b, f(b), ye dono kya hai a aur b coordinates hai function ke upar। if I join them I'll get a chord and if I find their slope it will be f(b) minus f(a) by b minus a। अभी देखिए, अभी ए और बी के बीच में कोई एक पॉइंट तो होगा जिसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने से आई विल गेट ए लाइन पैरेलल टू द कॉर्ड AB। अगर मैंने AB को पैरेलल मान के कोई एक लाइन ड्रॉ किया टेंजेंट x इक्वल टू सी के ऊपर, तो ये ऐसा होगा, मतलब एट x इक्वल टू सी I can draw a tangent which is parallel to AB. तो इसका मतलब ये हुआ कि f' c is equal to
एफ ओ बी माइनस एफ ओफ ए बाई बी माइनस ए. दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट इन बिटवीन ए एंड बी एट विच द टेंजेंट हैविंग स्लोप इक्वल टू ए बी. मतलब द टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू सी इज पैरेलल टू द कॉर्ड ए बी. दैट इज द टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू सी इज पैरेलल टू द कॉर्ड ए बी. नाउ दे हैव इक्वल स्लोप्स. ये हो गया पहला केस. देखिए मैंने क्या कहा था, एटलीस्ट वन पॉइंट, एटलीस्ट वन, कम करके भी एक तो हो गई, मतलब दो भी हो सकता है ना. तो नाउ वी विल ड्रॉ ए सेकेंड केस जिसमें मोर देन टू पॉइंट्स रह सकते हैं. केस टू, फिर से मैंने ड्रॉ किया. मान लेते हैं कि जो फंक्शन है वो पहले इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है, तो कुछ ऐसा. सही है, इंक्रीजेस डिक्रीजेस फिर इंक्रीजेस. नाउ दिस इज योर एक्स इक्वल टू ए कोऑर्डिनेट, तो ये कौन सा पॉइंट होगा, ए कोमा एफ ऑफ ए, और ये आपका पॉइंट हो गया एक्स इक्वल टू बी होने से ये हो गया बी कोमा एफ ऑफ बी. ये दो पॉइंट्स को अगर मैंने ज्वाइन किया आई विल गेट ए कॉर्ड, जैसे कॉर्ड ए बी. नाउ देयर एग्जिस्ट टू पॉइंट्स इन बिटवीन ए एंड बी, दिस इज सी वन एंड दिस इज सी टू. एट दिस पॉइंट्स इफ यू ड्रॉ टेंजेंट्स दे विल बी पैरेलल टू द कॉर्ड ए बी. से मतलब ये हुआ कि देयर एग्जिस्ट टू पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द कॉर्ड ए बी. नाउ अगर ए और बी, अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होता, अगर मान लीजिए कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा. दैट मीन्स एफ डैश सी विल बी इज इक्वल टू जीरो. दैट्स व्हाई वी से रोलिस थ्योरम इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ एलएमबीटी. मतलब लैग्रांजस थ्योरम का एक पर्टिकुलर केस है. तो अगर किसी को ये पता है तो वो इजीली रोलिस थ्योरम निकाल सकता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए, काम में आएगा. पहली बात है जानना है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा, दूसरा बात डिफरेंशियल होगा इन ओपन इंटरवल, और तीसरी बात है एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी. तो क्या होता है, तो ए और बी के बीच में एक तीसरा पॉइंट रहता है जिसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने से उसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए. मतलब जो कॉर्ड ए बी होगा उसके स्लोप के बराबर होगा. That means they are parallel. और अगर f of a और f of b equal होगा तो जो लाइन ए बी है ना वो क्या हो जाएगा, parallel to हो जाएगा x axis. मतलब जो tangent है वो भी क्या होगा, parallel to x axis. This is your Rolle's theorem and mean value theorem. Thank you.